नमस्कार दोस्तों, नए से वीडियो में स्वागत है आपका। मैं अभी हूँ श्रीरामपुर हावड़ा में, जो कोलकाता के नज़दीक है। तो मैं अभी जा रहा हूँ बैरकपुर। तो श्रीरामपुर जो लोकल स्टेशन है, वहाँ से कैसे बैरकपुर जाते हैं, तो इस वीडियो में पूरा आपको बताऊँगा मैं। चलिए कैमरा करता हूँ बैक, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जाते हैं। तो यहाँ से शायद हम टोटो पकड़ेंगे, मैं भी उतना जानता नहीं हूँ, एक दोस्त है जो मुझे ले जा रहे हैं। तो टोटो हो गया कैंसिल क्योंकि नज़दीकी है, मुझे अभी अभी पता चला। पैदल ही जाएंगे, लॉन्च जाना है। लॉन्च से लॉन्च मतलब कि जहाँ से नाव जाती है। तो ये भी हम स्टेशन का जो पटरी है क्रॉस कर रहे हैं ध्यानपूर्वक, क्योंकि यहाँ लोकल ट्रेन बहुत ही फास्ट आती है। और ये श्रीरामपुर स्टेशन है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ से हमको जाना है राइट साइड में। आप बाज़ार देखिए भाई, इतना अच्छा अच्छा खुशबू आ रहा है ना मिठाई का, बता नहीं सकते हैं। कुछ खाने का दिल कर रहा है। सीधा जाए के बाहर, पतला रास्ता है तो हमने टोटो को छोड़ दिया क्योंकि नज़दीकी है बता रहे हैं। ठीक है, आशीष गोली में। तो यहाँ से हम जा रहे हैं स्टेशन से धोबी घाट, जो लॉन्च है उसको धोबी घाट बोलते हैं। अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको टोटो मिल जाएगा। टोटो मतलब जो ई रिक्शा होता है इलेक्ट्रिक वाला, स्टेशन के पास से ही धोबी घाट बजाना पड़ेगा। ट्रेन की आवाज आ रही है। किस्मत में ना रह लो। ये हाईवे रोड आ गया जो कि सीधा हावड़ा स्टेशन के पास जाती है, इसको हम क्रॉस करेंगे। ये हाईवे है तो थोड़ा लेना पड़ रहा है किसी के पास हम जा रहे हैं। तो ये मिठाई की वैरायटी 6 रुपया पीस रसगुल्ला है और 10 रुपया ही है, लेकिन हम अपने बजट के अनुसार चलेंगे। 6 रुपया वाला पीस लेना है। 6 रुपया वाला कौन सा है भैया? 6 रुपया वाला, अच्छा सादा वाला, ये वाला है। ठीक है, थैंक यू। हरे वाला दोनों, तो गुड़ वाला दोनों भैया? हाँ 6 रुपया ही है ना। ठीक है अब दीजिए। तो ये रसगुल्ला ले रहे हैं 6 रुपया, गुड़ और चीनी दोनों अवेलेबल है, तो मैं गुड़ वाला लेता हूँ। मैं मिठाई के बारे में बात कर रहा था और मिठाई लेना पड़ गया। ये मेरी वाइफ खड़ी है राइट दाहिने साइड में ब्लू ड्रेस में, बोल रही है कि नहीं मिठाई लेना पड़ेगा। मैं बोला ले लो भाई, उसके रिश्तेदार हैं तो मिठाई तो लेना ही पड़ेगा। ये हो गया हमारा मिठाई। चलिए मोबाइल से पेमेंट करना है मुझे। तो भाई मुझसे ज़्यादा यहाँ के बारे में मेरी बीवी जानती है क्योंकि इसका बर्थ प्लेस है। तो इसने मिठाई ले लिया और वो उसकी बहन है, दोनों बहनें हैं, काना पुसी करते हुए चल रही है। जगह जगह आपको मिठाई की दुकान मिलेगी। देखिए एक और मिठाई का दुकान, और मिठाई देखा ही आपने 6 रुपये पीस है, वो भी गुड़ वाला मिठाई, तो कितना सस्ता है। मिठाई के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं। हम पहुंच गए हैं धोबी घाट। अब यहाँ से हम लोगों ने नाव पकड़नी है, लॉन्च बोलते हैं बंगाल में। तो उसके पहले कटाना पड़ेगा टिकट, पहले मंदिर
दोनों तरफ मंदिर है माता का, काली माँ का। तो टिकट कटाने के लिए लाइन लगना पड़ेगा भाई, एक टिकट 6 रुपये का है। अभी लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही नाव आएगी तो इसको खोला जाएगा। मेरी वाइफ लाइन लगी है टिकट लेने के लिए, टिकट 7 रुपये है, 6 रुपये नहीं 7 रुपये। शायद वो पहले आई होगी तो 6 रुपया होगा, अभी 1 रुपया बढ़ा हुआ है, फिर भी बहुत सस्ता है यार, 7 रुपये क्या है। बोर्ड पे लिखा है श्री रामपुर टू बैरकपुर फेरी सर्विस, टिकट 7 रुपये। खुल गया नाव, आने वाला है। अब टिकट शायद यहाँ पे चेक नहीं होगा, जहाँ पे हम आउट होंगे वहाँ पे टिकट चेक होगा, उसके बाद हम चढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे डबल नाव है। अच्छा, इसमें आप अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं। चलिए हम बैठते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है फेरी सर्विस जो श्रीरामपुर से बैरकपुर जाते हैं। बड़ी नाव नहीं है, छोटी नाव है, जैसा कि हम देखते हैं बाबू घाट से हावड़ा और हावड़ा से बाबू घाट, तो ये छोटा नाव है। कुछ ऐसा दिख रहा है फेरी सर्विस। अरे पूरा नाव है यहाँ, कोई ज़्यादा बड़ा जगह तो नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बैठने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें भाई। इतने दिन हो गए वीडियो बनाते हुए, अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है शायद मैं ऐसा कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ, बट कोशिश पूरी कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और पोस्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कब तक आप लोगों का पूरा साथ मिलता है। अगर आप इस पर बाइक लेते आते हैं तो ऊपर चढ़ाने के लिए आपको 2 आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ाना पड़ता है। और जो बाइक आ रहा है तो हेल्प करते हैं, यहाँ पे नाव वाले हेल्प करते हैं। आप चलने का टाइम हो गया, इंजन हो गया स्टार्ट, खड़ा होने के लिए मना कर दिया तो हट गया मैं। नाव चल दिया भाई। और ये मौसम तो कोलकाता घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। वैसे हर समय आप आ सकते हैं, बट ये मौसम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आशा कर रहा हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो भैया अब हम गए पहुँच बैरकपुर। तो यहीं पर लॉन्च लगेगा यार, छोटा सा जगह लग रहा है मुझे तो यहाँ पर, वहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे ये बिल्कुल छोटा सा है। देखते हैं कैसे जाते हैं। तो रस्सी की तैयारी हो रही है बांधने की। टिकट भी चेक कराना है, वाईफाई निकल गई। तो यहाँ पे हमारा सफर समाप्त। जैसे ही ये बाहर लोग बाहर निकल जाएंगे फिर उनको आने वालों को अंदर छोड़ा जाएगा। तो बाहर से जैसे ही नाव से निकलते हैं कुछ ऐसा दिखता है, आपको ई रिक्शा मिल जाएगा तो बैरकपुर आके। अब यहाँ से जहाँ आपको जाना है जाइए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर और प्लीज कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा होगा।